जो भी वद आने का हव हाय उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन न्यूज नाहीन कर दानीवाद। शौचालय बनाने का काम इस अवधि में किया गया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के 11 करोड़ से ज्यादा घरों में हर घर नल और नल से जल। जब ऐसे दुर्गम देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सिक्किम जैसे राज्य जिनकी भौगोलिक संरचना काफी विविधताओं से भरी हुई है, वहां कितने नामची जिले के कितम गांव में भी गया। उस गांव में जाकर मैंने देखा कि 2-3 किलोमीटर नीचे उतरकर एक घर था, मैं वहां जाकर वैन से मिला, वहां देखा कि नल की पाइप से वहां पर पानी आया हुआ है। मेन पाइपलाइन गया था और घरों में दूर दूर तक उस पाइपलाइन से पानी जा रहा था। बहन से जाकर मैंने पूछा कि आपके घर में पानी कैसे आया, तो बहन ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो नलजल योजना है उस नलजल योजना से मेरे घर पर पानी आया। हम लोग पहले बहुत परेशान हुआ करते थे, पहाड़ों में नीचे उतर कर जाना पड़ता था, फिर एक एक गगरी पानी लेकर बहुत असुविधाओं के बीच में आना पड़ता था। इस बीच में देखा हमने कि उस बहन का लगभग 3 साल का बालक होगा, उसने जाकर नल खोल दिया। उस बहन के अंदर जागरूकता देखिए, वो तुरंत अपने बेटे को मना करती है, नल बंद करो, पानी की एक ही बूंद कीमती है। यानी पानी की एक ही बूंद का जहां उपयोग करना है, वहीं पानी की एक ही बूंद का जल का संरक्षण भी करना है। नमस्कार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर इन 9 वर्षों में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ऐसा विकास जो केवल चंद लोगों के लिए या चंद परिवारों के लिए नहीं, क्षेत्रवाद, जातिवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर केवल विकास और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से हमारे देश में सभी के लिए पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, लाभ वंचित वर्ग के लोगों के लिए आवास की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और उनको सामाजिक न्याय की दृष्टि से पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए हैं वो काम आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन 9 वर्षों में अगर हम बात करें ये पानी चाहिए और कैसे एक एक गगरी के पानी के लिए परेशान हुआ करती थी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ, अब गरीबों के लिए ये जीवन रेखा का काम कर रहा है। एक उनका एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस का कार्ड उनके पास एक तरह से होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से बड़ी मात्रा में लोग काम की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जाते हैं। अब कोई व्यक्ति मकान बनाने के काम में गया है, कोई भवन निर्माण के काम में गया है, कोई सड़क निर्माण के काम में गया, कोई चौकीदार का काम करने के लिए गया है। वो किसी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाता है, उसको डॉक्टर्स ने 1-2-3 लाख रुपए का एस्टीमेट बता दिया। गरीब व्यक्ति इतना महंगा इलाज नहीं करा सकता। मन में सामान्य व्यक्ति के मन में एक ऐसा विश्वास का भाव जागृत हुआ है। मैं परसों ही बिहार में था और बिहार के एक गाँव में जब मैं गया, वहां पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति वहां पर थी, गाँव के लोग भी वहां पर एकत्रित थे। उन लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो जिस तरह से सामान्य परिवार में ग्रामीण क्षेत्रों में और उसमें बड़ी संख्या में वो हमारी मातृशक्ति थी जो पढ़े लिखे नहीं थी, लेकिन इस बात को वो सब स्वीकार कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए 9 वर्षों में, ये 9 वर्षों के पहले हमारा गाँव जैसा था, हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी थी, उसमें आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सामान्य व्यक्ति के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यानी विकास केवल चंद परिवारों के लिए नहीं, चंद लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जब सच्चे अंतःकरण की भावना से जब सब समाज को लिए साथ में, इस भावना के साथ में आगे काम करने के लिए बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 2014 के पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 145 एयरपोर्ट हो गए। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सड़कों की बात करें तो 2014 के पहले 8 लाख किलोमीटर सड़कें थी और 2022-23 में 7 लाख किलोमीटर सड़कें हो गई। यानी इस 9 वर्ष की अवधि में 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य हुआ।
राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो 2014 के पहले तक एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क लगभग बनती थी, लेकिन आज राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने की गति एक दिन में 37 किलोमीटर आ गई। इस तरह से समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जो बदलाव देखने में आ रहा है, ग्रामीण जहां एक और एक विशाल लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन का निर्माण कार्य कराया गया, वहीं देश में 30,000 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया गया और 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण करा के ये देश की जनता की ताकत है। जनता ने लोकतंत्र में इसके पहले तक जिन लोगों को वोट की ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने परिवार को, उन्होंने अपने वंश को, उन्होंने अपने जाति के आगे बढ़ाने का सोचा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीजों से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भावना के साथ में जब उन्होंने आगे चलकर काम करना शुरू किया तो व्यक्ति जब आगे इस भावना से आगे चलता है तो व्यक्ति अब लड़ाई नहीं लड़ता, समाज उसके साथ में खड़ा होता है, देश उसके साथ में खड़ा होता है। और चारों ओर जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जनता में जो विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वो बातें आप सबके माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से मैंने अपनी बातें रखी। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी उसे प्रयास करूंगा। मंत्री जी, निधि शर्मा, इकोनॉमिक टाइम्स से। मुझे ये पूछना था कि आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आप लोगों ने आंकड़े दिए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, दिसंबर तक के आंकड़े थे जिसमें 30 में से 12 स्टेट्स